हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज है सैटरडे एंड मॉर्निंग के बजे अभी 6:30। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उठने में, क्योंकि आज छुट्टी है तो टेंशन बिल्कुल नहीं होती काम की सुबह सुबह। सो उठते ही इतना ज़्यादा आलस आता है कि बिल्कुल काम करने का कुछ मन नहीं करता। और सबसे पहले बनाई मैंने अपने लिए चाय, क्योंकि चाय के बिना दिन स्टार्ट नहीं हो सकता। और आज सैटरडे है, आवियन की छुट्टी है। वैसे वो काफ़ी दिन से छुट्टियों पे चल रहा है, क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टियां हो गई थी बारिश की वजह से। और ये टाइम जो है ना मॉर्निंग का सबसे अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने साथ कुछ टाइम बिताना होता है, जो कि सबसे बेस्ट होता है पूरे दिन का टाइम। और यहाँ पर आराम से बालकनी में बैठ के पहले आराम से चाय पी, उसकी बात करेंगे काम। तो काम का मैंने आज थोड़ा सोचा है कि डीप क्लीनिंग करूँ। हस्बैंड बाहर गए हैं आउट ऑफ दिल्ली, सिर्फ मैं और आव्या नहीं है घर पे। तो सबसे पहले तो मैं वो वाले काम करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और जैसे कि बेड बनाना, सोफ़ा बनाना। और ये अगर काम हो जाए तो आधा काम ऐसा लगता है कि हो गया है। आज मुझे फ़ैन साफ़ करने थे, काफ़ी टाइम हो गया था फ़ैन साफ़ नहीं किए थे। एंड सही बताऊँ तो फैंस पे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। आज मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और कुछ तो ये ओपन किचन है यहाँ पे, तो किचन की वजह से फ़ैन्स काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं गैस की वजह से। सो बहुत ज़्यादा काला लगा हुआ था, तो सबसे पहले तो मैंने किए फ़ैन साफ। अब मेरे पास स्टेयर्स नहीं थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टेबल लगाया, फिर उसके ऊपर ये स्टूल लगाया, और इसे काफ़ी इजी हो जाता है साफ़ करना। एक पुराना कपड़ा मैंने ले लिया था, उसकी हेल्प से मैंने फ़ैन को साफ़ कर दिया। आज तो मैंने सुबह से बहुत सारे काम किए, लाइक मैंने फ़ैन साफ़ किए, मैंने डोर साफ़ किए, और बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की घर की। तो अभी 11 बज गए हैं, आज है सैटरडे, आव्यान की छुट्टी है, और वैसे भी वो बहुत टाइम से छुट्टी पे चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से छुट्टियां हो गई थी बच्चों की। और हस्बैंड गए हुए हैं आउट ऑफ दिल्ली, सो वो संडे आई थिंक आएंगे रात को, या फिर मंडे मॉर्निंग में वो पहुँच जाएंगे। सो अभी तो काम कुछ नहीं है, तो आज मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा गार्डनिंग का काम। और अगर आप प्लांट लवर है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जब आप कटिंग से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ प्लांट्स मैं भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे प्लांटर रखे हुए थे जिनमें मिट्टी मैंने ऑलरेडी रखी हुई थी बहुत टाइम से, और वो खाली रखे हुए हैं, तो मुझे लगा चलो कटिंग लगा देती हूँ। और वैसे भी इस टाइम पर बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाते हैं प्लांट्स, तो ये बेस्ट टाइम है कटिंग। अगर आप कोई भी लगाओगे तो आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मेरे पास ना स्पाइडर प्लांट्स के बहुत सारे बेबीज़ हो रखे हैं, तो मुझे लगा उनसे ना बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। सो वही मैं करने वाली हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी कौन से प्लांट की मैं कटिंग लगाऊंगी। और कुछ ऐसे मैंने लगा भी रखे थे जो कि बहुत अच्छे से अभी ग्रो हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। सो चलो अच्छा, ये कोका कोला की बॉटल रखी हुई थी घर में, और आव्यन ने इसको पता है कहाँ छिपा रखा था, अपने अलमीरा में। और जब मैंने इससे मांगा तो इसने अपने लिए जो रखा था ना, वो कहता है कि इसी में से पी लो थोड़ा सा, क्योंकि मैं बॉटल नहीं दूंगा। ये इतना तेज बनता है ना लड़का। मैं पी रहा हूँ तोल दिन। क्या पी रहा तोल दिन? कोल्ड ड्रिंक। फ्रोजन। ज़्यादा नहीं पीते इसको, दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब नहीं पियोगे ना? वो बॉटल मेरी है ना। मेरी है पूरी। अच्छा, अभी तो बोला था नहीं पीऊंगा। मेरे अलमारी में लगे तो मेरी हुई ना, अलमारी तो मेरी है ना, मेरे बर्थडे में मेरा बत्ता छीन हो दिया, मेरा बर्थडे देश इतान तो तुम मेरे सारे खिलौने ले लो, बच्चे बन जाओ। बच्चे बन जाओ मैं? बहुत तेज हो आप। फिर गार्डनिंग करें, प्लांटिंग। यस, पर मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं आपको बता दियो ना कैसे करना है, करोगे? हाँ। तो ये रखे हुए मैंने कुछ प्लांटर, इनमें मैंने मिट्टी ऑलरेडी भरी हुई है, ये काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, तो चलो इनमें लगाते हैं कुछ प्लांट्स। और प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मैंने दी है आज आव्यान को, क्योंकि वो खाली बैठा हुआ था, और बच्चों को छुट्टी के दिन थोड़ा सा इंटरटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके साथ थोड़ी सी एक्टिविटी करना बहुत अच्छा रहता है। सो इसीलिए मैं उसको ये दे रही हूँ करने के लिए। यहाँ पे स्पाइडर प्लांट्स की मैंने कटिंग ले ली है। तो कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे स्पाइडर प्लांट्स के जो बेबीज थे वो लगा रखे हैं, कुछ काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं अभी, और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं। तो एक प्लांट से मेरे बहुत सारे प्लांट बन गए हैं, यहाँ पे कुछ बीज अपने आप निकल रहे हैं ये, और इससे भी एक प्लांट मेरे ख्याल से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये छोटे छोटे से केन में मैंने ये स्पाइडर प्लांट्स लगा रखे हैं। ये डेफिन बगिया की मैंने कटिंग लगाई थी, इसका भी काफ़ी अच्छे से अभी ये ग्रो कर रही है, और ये ले ली है मैंने कटिंग, और अब मैं लगाने वाली हूँ इन कटिंग्स को। ये जो कटिंग मैंने ले रखी है, इन पे रूट्स जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। मनी प्लांट्स पे भी काफ़ी रूट्स आ गई हैं, और स्पाइडर प्लांट्स के जो बेबीज हैं उन पे भी रूट्स आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको मिट्टी में लगा रही हूँ, ताकि जो रूट्स हैं वो मिट्टी में चली जाएं, और ये अच्छे से फिर ग्रो करेगा।
ये मनी प्लांट जो है, मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट था बहुत पहले, और उसी को कट करके मैंने बहुत सारे प्लांट ऐसे बना दिए। हैंगिंग्स में भी आप देख सकते हो, वो सारे मैंने कटिंग से ही लगाए हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाता है। आप इसको इंडोर में भी रख सकते हो, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। सो एक ये वाला तो रेडी हो गया है मेरा। अब बारी है नेक्स्ट की, तो जो नेक्स्ट वाला जो प्लांट है उसमें मैं स्पाइडर प्लांट्स के जो बेबीज हैं वो लगाने वाली हूँ। अब ये मिट्टी थोड़ी सी गीली हो रही थी क्योंकि बारिश में ये रह गया था प्लांटर, तो इसको मैं कोकोपीट के साथ मिक्स करके फिर लगा रही हूँ। और यहाँ पे हम दोनों की ने लड़ाई हो गई थी कि मैं मिक्स करूँगा, आप मत करो इसको मिक्स, और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था ये करते हुए, जबकि उसने आधे से ज़्यादा जो मिट्टी थी वो नीचे गिरा दी थी, तो मैंने भी थोड़ा सा करने दिया था उसको कि चल तू कर ले। बस 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 करो, गल जाएगा वो। क्या कर दिया ये, पानी से भर दिया। सो लग गए हैं प्लांट्स, और अब बारी है यहाँ पे क्लीन करने की। आव्या ने बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया। सो बच्चों के साथ यही, अगर आप थोड़ा सा काम करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंगो टाइम था हमारा, और बैठ के हमने आराम से मैंगो खाया। अभी जो है मैंगो का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए हम आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से मैंगो खा रहे हैं कि फिर इसका सीज़न जो है वो चला जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर ही हमको मैंगो खाने को मिलेंगे। और मैंगो एक ऐसा फ्रूट है मेरे ख्याल से जो हर किसी का फेवरेट फ्रूट होता है। सो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नाबियन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड हम दोनों बहुत लड़ते हैं मैंगो के लिए, मतलब एक पीस के लिए भी हमारी बहुत लड़ाई होती है। इसके बाद थी ये टाइमिंग एक DIY करने की। ये एक बॉटल का जो बाहर का कवर होता है वो मेरे पास रखा हुआ था। अब ये दोनों साइड से बंद है, एक साइड से ये इस तरीके से ओपन हो जाता है एंड दूसरी साइड से जो है ये बंद है। सो इसको मैं कुछ कर लूँगी, दो पीसेस में इसका कट, और उसके बाद मैं इसे क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी। सो चलिए बनाते हैं एक बहुत ही अच्छा सा DIY, बहुत ही ईजी है, आप भी आराम से बना सकते इसको। क्योंकि ये दोनों साइड से बंद है तो ये दोनों जो बॉक्सेस हैं वो मेरे यूज़ हो जाएंगे। तो चलिए अब इसका थोड़ा आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे ले रही हूँ मैं ये वाइट सीमेंट, और वाइट सीमेंट मैं इस पर अच्छे से लगा दूँगी। इसका पहले अच्छा सा एक पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो पुट्टी भी लगा सकते हैं, पुट्टी भी ले सकते हैं। मेरे पास ये वाइट पेंट रखा हुआ था, सॉरी ये वाइट सीमेंट रखा हुआ था, उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पुराना स्पून मैंने ले लिया है इसको एक पेस्ट बनाने के लिए, और कुछ इस तरीके से आपको जो बॉक्स है उस पर लगा देना है। अब इसके लगाने के बाद, सीमेंट लगाने के बाद, इस पर मैं स्पून से ना कुछ इस तरीके से लाइन बना दे रही हूँ। ये मैं क्यों बना रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ऐसे मैं दोनों बॉक्सेस पे कर दूँगी और फिर हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये वाइट सीमेंट थोड़ा सा टाइम लेता है ड्राई होने में, सो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं इसको करूँगी कलर। कलर करने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। बेसिकली ये एक प्लांटर मैं बना रही हूँ। अच्छा, आजकल मॉनसून चल रहा है, मॉनसून बहुत अच्छा मौसम होता है लेकिन परेशानियाँ भी साथ में लेके आता है। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप प्लांट लवर हो, आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो जो प्लांटर होते हैं उनके नीचे होल्स आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो भर जाता है प्लांट्स में, और उसकी वजह से जो प्लांट है वो ख़राब होने का डर होता है। तो इसीलिए आप जो है उसमें होल ज़रूर करके रखिए। अब ये वाला जो प्लांटर है ये हैंगिंग प्लांटर था और इसमें बिल्कुल भी होल नहीं था, और ये जो प्लांट है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा था, इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई थी मेरी, लेकिन इसमें पानी जो है ज़्यादा रुकने की वजह से ये पूरा प्लांट ही मेरा ख़राब हो गया है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि प्लांटर में आप ज़रूर होल करके रखिए आजकल।
सो सारा काम हो गया है, लंच भी मेरा हो गया है, बन गया है। और अब थोड़ा सा आज ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेरे ख्याल से बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। तो ये जो बेडशीट मैंने बिछाई थी, इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा अलग है, आई डोंट नो कि ये फैब्रिक है कौन सा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं कॉटन बेडशीट का यूज़ करने वाली हूँ, इसको मैं लगाने वाली हूँ। और कॉटन बेडशीट्स में ना बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है, सच्ची बताऊँ तो गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है बैठने में, सोने में। सो ये जो है बेडशीट, इसका प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मुझे इसी तरीके की बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लाइक कॉटन की हो और प्रिंटेड हो। प्रिंटेड चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे मेरे कपड़े ही हो, मतलब कुर्ता हो या फिर कोई टॉप हो या फिर किसी भी चीज़ में, मुझे ना प्रिंटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने बेडशीट लगा दी है। और अभी जो बेड है वो थोड़ा सा मुझे ना आज अच्छा बनाने का मन कर रहा था कि चलो, सो जो साइड में रखी हुई है ये जो चेयर, ये ना बहुत बोरिंग सी लगती है। ये वाला हैक मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि आप कोई भी पुराना दुपट्टा या फिर किसी भी तरीके का क्लोथ जो आपको पसंद हो आप इसमें रख सकते हो, और बोरिंग सी जो चेयर है ना उसको आप थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो। सो ये जो चेयर है ये ऑफिस की चेयर है, और ये बहुत सिंपल ही रहती है हमेशा, बहुत कम यूज़ होती है बैठने के लिए। सो कुछ इस तरीके से मैं इसको रख रही हूँ। ये पुराना एक दुपट्टा था मेरे पास और इसका अभी तो फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बाहर जाना कहीं होता नहीं है, तो इसमें मैं इसको लगा दे रही हूँ और एक कुशन इसमें रख दे रही हूँ। अब ये जो बोरिंग सी चेयर थी ये काफ़ी अच्छी लगने लग गई है, और ये एक बेडशीट भी मैंने बेड पे लगा दी है क्योंकि एसी चलाना होता है तो फिर बेडशीट की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, ठंड लगती है जब। बेड के साइड में जो टेबल रखा हुआ है उस पर रखा हुआ है मैंने एक DIY ऑर्गेनाइज़र, इस पर रखा हुआ एक छोटू सा प्लांट और एसी के रिमोट्स मैंने रखे हुए हैं। बेड पे लगा दी है मैंने एक ये बेडशीट, ये तब चाहिए होती है जब एसी चलाना होता है, तो इसको सिंपल रखने के बजाय आप कुछ इस तरीके से बेड पे लगा सकते हो, और इस तरीके से बेड भी खूबसूरत लगता है और ये यूज़ भी हो जाती है बार बार ही, आपको ढूंढना नहीं पड़ता इसको इधर से उधर। सो ये है मेरा बेडरूम, अभी बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। अब ये जो बॉक्सेस थे ये थोड़े से ड्राई हो गए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं अभी पूरा, इनको थोड़ा होने में टाइम लगेगा। तो इसको करते हैं कलर। कलर यहाँ पे एक्रेलिक पेंट का मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन कलर मैं ले रही हूँ। ब्राउन कलर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं इनको उडन की तरह बनाना चाहती हूँ, लाइक जो लकड़ी के प्लांटर होते हैं उसी की तरह मैं इनको बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने जो स्पून से लाइनें बनाई थी वो भी इसीलिए बनाई थी ताकि इसमें उडन का जो लुक है वो पूरा अच्छे से आए। और ब्राउन कलर करने के बाद ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये पूरा ही लगे कि ये लकड़ी के ही प्लांटर है, ऐसा बिल्कुल ना लगे कि इनको हमने कार्डबोर्ड से बनाया है या फिर सीमेंट से बनाया है। तो आप देख सकते हो कि लुक बिल्कुल जो है उनका लकड़ी वाला ही आ रहा है। सो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगते हैं। अगर आप इसी तरीके से लकड़ी के जो ओरिजिनल प्लांटर होते हैं वो लाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन ऐसे DIY करके हम बना सकते हैं घर पे। सो पहले मैंने इनको कहीं और रखा था, अभी मैंने इनको बुद्धा जी की सामने जो है वो रख दिया है। यहाँ पे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इनमें आप चाहे तो आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पाइडर प्लांट्स का जो ओरिजिनल है वो रखे हुए हैं एंड ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ईजी DIY है। सो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही, छोटा मोटा सा एक ब्लॉग था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड ये वाला DIY अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।